नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की जानी मानी संस्था, इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी संस्था सूत्रधार, जो कि पूरे वर्ष भर इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है, उसके संयोजक श्री सत्यनारायण जी व्यास। व्यास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यास जी अकेले ही इतनी बड़ी संस्था का दायित्व वहन करते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में जो सांस्कृतिक अलग जगाने का जो कार्य हो रहा है, उसका पूरा श्रेय सत्यनारायण जी व्यास को दिया जा सकता है। यानी इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि सत्यनारायण जी व्यास इंदौर के सांस्कृतिक योद्धा हैं, जो कि अकेले ही इतनी बड़ी संस्था को जो करीब करीब 150 से अधिक आयोजन प्रतिवर्ष करती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतना बड़ा काम व्यास जी कर पाते हैं। नमस्कार अर्जुन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः एक वैज्ञानिक हूँ। परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक था मैं, तो इसका जो मुख्य कार्यालय है बम्बई में, ट्रॉम्बे में, वहाँ मैं वैज्ञानिक था और वहाँ मैं 20 वर्ष तक रहा। तो बम्बई में जब मैं 20 वर्ष तक रहा, तो आप जानते हैं बम्बई में सांस्कृतिक गतिविधियाँ काफ़ी होती रहती हैं, विशेष रूप से रंगमंच के मामले में। आप बम्बई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, सब तरह के नाटक, अच्छे अच्छे नाटक देख सकते हैं। तो 20 वर्षों के दौरान मैंने वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक देखे हिंदी के। ये वो दौर था जब बम्बई में छबीलदास मूवमेंट शुरू हुआ था, और वहाँ सत्यदेव दुबे के निर्देशन में एक से एक बढ़िया नाटक हुआ करते थे, जिसमें अमरीश पुरी, अमोर पालेकर, सुरभा देशपांडे वगैरह सब लोग होते थे। और वहाँ डॉक्टर शंकर शेष के, बादल सरकार के, विजय तेंदुलकर के सारे नाटक, एक से एक बढ़ के नाटक वहाँ मैंने देखे। तो उन नाटकों का प्रभाव मुझ पर इतना अच्छा पड़ा और इतना स्थायी प्रभाव पड़ा कि जब मैं इंदौर ट्रांसफ़र होकर के आया यहाँ पर जी सर, तो यहाँ मैंने बड़ा सांस्कृतिक एक वैक्यूम सरीका देखा, मतलब जी स्पेशली नाटकों के क्षेत्र में जी मैंने देखा यहाँ कुछ गतिविधि हो नहीं रही है जी, जबकि मेरी एक लत लग चुकी थी मतलब अच्छे अच्छे नाटक देखने की जी। तो और उस समय इंदौर में मैंने देखा कि एक मराठी ग्रुप ऐसा था जो कि मतलब महाराष्ट्र से मराठी को नाटकों को बुलाता था इंदौर में जी, और अपने सदस्यों को घर बैठे हर महीने मराठी के नाटक देखने को मिलते थे। तो मुझे उसको देख करके लगा कि जब मराठी नाटक इंदौर में आ सकते हैं, तो हिंदी नाटक क्यों नहीं आ सकते, जबकि हिंदी नाटक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, इन सब प्रदेशों में इतने अच्छे अच्छे हिंदी नाटक हो रहे हैं, जिसकी जानकारी हमको मिलती रहती है हमेशा। तो उन लोगों से संपर्क करके हम कोशिश करें कि उनको हम इंदौर में भी लाएं और इंदौर के दर्शकों को अच्छे हिंदी नाटक देखने को मिले। इसी उद्देश्य से मैंने मतलब ये सूत्रधार की शुरुआत की थी। और मुझे याद है मैं 2007 में मार्च के महीने में भोपाल गया हुआ था भारत भवन, वहाँ एक 7 दिन का नाट्य महोत्सव चल रहा था जी सर। तो वहाँ मैंने एक नाटक देखा था विजय तेंदुलकर का कमला जी, वो नाटक मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये नाटक तो इंदौर में होना चाहिए। ये 2007 की बात है। तो नाटक के निर्देशक जावेद जेदी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि सर ये नाटक इंदौर में करना चाहिए, इंदौर में कैसे करें अपन। तो उन्होंने कहा आप करवाइए। मैंने कहा सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, आप अकेले शुरू कर दीजिए जो भी करना हो। मैंने बोला ठीक है, डन जी, कर देंगे अपन जी। तो ये पहला कार्यक्रम हमने जावेद जेदी के कमला नाटक को यहाँ बुलाया था, और 2007 के जून महीने में यहाँ के मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज के सभागृह में ये नाटक हुआ था, और तभी से सूत्रधार की एक तरह से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी। इसके बाद में हमने देश के अलग अलग जगह से, लगभग सभी जगहों से अच्छे अच्छे हिंदी नाटक यहाँ बुलवाए हैं, और काफ़ी लोगों का प्रतिसाद भी अच्छा मिल रहा है और लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है इसमें। और मुख्य बात यह है कि लोगों के अलावा मुझे भी अच्छे अच्छे नाटक देखने को मिल रहे हैं जी, क्योंकि बेसिकली मैं यही चाहता था कि मुझे अच्छे नाटक देखने को मिले किसी तरीके से। बिल्कुल सही। तो अच्छे नाटक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ और की, मतलब
2007 में ही आपको मालूम होगा 2007 ऐसा वर्ष था जिसमें 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की 150वीं जयंती पूरे देश में मन रही थी। तो हमने ये किया कि भारत सरकार का जो फिल्म्स डिवीजन है उनके पास में बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, तो उनसे डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक पूरा पैकेज हमने मंगवाया जिसमें स्वाधीनता संग्राम से संबंधित फिल्में थी। उसमें भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद, जलियांवाला बाग, इस तरह से कम 7-8 फिल्मों का एक पूरा पैकेज हमने मंगवाया। और इंदौर में पहली बार 2007 में जाल सभागृह में हमने यह कार्यक्रम किया जिसमें स्वाधीनता संग्राम के ऊपर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक बड़ा फेस्टिवल हुआ। सत्यनारायण सत्तन जी उसमें मुख्य अतिथि थे हमारे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। तो हमने फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की भी एक शुरुआत की क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में इतना अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर और सैकड़ों की संख्या में फिल्मकार इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन उनको फिल्मों को कोई प्रतिसाद और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम कोशिश कर करके अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्में मंगाते हैं और ये भी लोगों को, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो इन दो क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और आप देखिए कि अभी तक हमारे लगभग इन 12 सालों में 235 के करीब कार्यक्रम हो चुके हैं टोटल। और नाटकों की संख्या आप देखेंगे तो मुझे लगता है करीबन 300-350 नाटक हम करवा चुके हैं इस दौरान। और फिल्में तो मेरे ख्याल से 700-800 के करीब फिल्में हम दिखा चुके हैं। तो फिल्मोत्सव करते हैं, नाटकों के उत्सव भी करते हैं और लोगों को मुझे लगता है पसंद भी आ रही है सब चीज़ें। नहीं, बहुत ही अच्छे होते हैं सर आपके कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंदौर में जो एक सांस्कृतिक, जिसको शून्य तो नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो अभाव था जी, तो वो आपने बात बहुत सही कही सर कि एक बहुत बड़े एक वैक्यूम की पूर्ति सूत्रधार के माध्यम से हुई है। कोशिश और हाँ सर, सूत्रधार के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात ये भी हुई है सर कि बड़े पैमाने पर लोग सूत्रधार से जुड़े हुए हैं। तो उसके बारे में आप बताइए सर कि किस तरह से लोगों को आपने जोड़ा और कैसे फिर आगे सब होता है सर। भाई शुरुआत में तो मतलब हमने ऐसे ही कुछ वेलविशर्स को, जो अपने शुभचिंतक थे, उनकी मदद से कार्य करना शुरू किया। और लगभग शुरुआत के मतलब 6-7 वर्षों तक तो हम ऐसे ही काम करते रहे। फिर किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप इसकी सदस्यता शुरू करते हैं, मेंबरशिप शुरू करते हैं। तो हमने 2011 में इसकी मेंबरशिप भी शुरू की और बहुत खुशी की बात है कि इंदौर का जो एक बड़ा बुद्धिजीवी तबका है, अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे साहित्यकार, सीए, अच्छे अच्छे सीए हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, वकील हैं अच्छे अच्छे, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहित्यकार हैं काफ़ी अच्छे जी, तो वो सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इस समय हमारे लगभग 300 के करीब सदस्य हैं जी और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रमों में आते हैं और पसंद भी करते हैं जी। और हम हमेशा पूछते रहते हैं लोगों से कि किस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करें, लोगों से फीडबैक भी लेते रहते हैं जी। तो इस तरह से आदान प्रदान करते रहते हैं विचारों का और ये काम चल रहा है इस तरह से जी। सर इसकी जो एक, जैसे आप जो आर्थिक व्यवस्था है सूत्रधार की, तो आपने बताया कि जो मेंबर्स आपने बनाए हैं, तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं सर इसको? भाई मैनेज करने का तो ऐसा है कि हमने इसकी मेंबरशिप शुरू से ही 1000 रुपये सालाना रखी जी जी जी। आप देखिए कि 1000 रुपये सालाना में हम हर साल 25-26 कार्यक्रम करते हैं जी, तो 1000 में तो मुश्किल है ये सब कार्यक्रम करना। बिल्कुल सही। और कई सीनियर लोग बाग मेरे पीछे पड़े हुए कई सालों से कि इस मेंबरशिप को बढ़ाइए आप, 1000 क्यों कर रहे हैं आप, 2000 कीजिए कम से कम। लेकिन मुझे लगता है कि 1000 ठीक है, मत ताकि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े जी, तो हम तो यही चाहते हैं। तो मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ जैसा मैंने बताया था आपको जी जी, भारत सरकार की ओर से मुझे पेंशन मिलती है अच्छी सी जी। तो जो भी सदस्यों से हमको अनुदान मिलता है मेंबरशिप के द्वारा वो, और इसके अलावा कभी कभी कोई बड़ा इवेंट हम करते हैं तो हम अपने अलग अलग लोगों से, शुभचिंतकों से कुछ दान भी लेते हैं जी, वो मिला करके और फिर अपने खुद के पर्सनल जेब से मिला करके ये सारा काम हम करते हैं और साल भर तक चलता रहता कार्यक्रम जी, जी। और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है इसका जी। जी। सर एक सवाल और था कि जो आप, जैसे आपने बताया कि आप तो वैज्ञानिक थे,
तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य या साहित्य और संस्कृति से वैज्ञानिक का जो रिश्ता है वो थोड़ा अलग टाइप होता है सर जी, जी। तो आपकी रुचि कैसे रही इतनी ज्यादा साहित्य और संस्कृति में? नहीं, ये धारणा गलत है कि वैज्ञानिकों के साहित्य या संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं रहता। आपको मालूम होगा डॉक्टर भावा जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक थे जी, जी। हमारे डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, वो बड़े अच्छे चित्रकार थे जी, जी। अगर आप बॉम्बे जाएं और बॉम्बे में आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कोलाबा में है जी, वहां जाएं और आपको डॉक्टर भावा की बनाई हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहां दिखेंगी। फिर डॉक्टर रमननाथ जो डॉक्टर भावा के बाद में हमारे चेयरमैन बने थे जी, जी। वो बड़े अच्छे पियानो वादक हैं। अच्छा, इतना अच्छा पियानो बजाते हैं, उनके पियानो के बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं, मतलब पब्लिक प्रोग्राम। तो वैज्ञानिक लोग बिल्कुल शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, या कला संस्कृति से कोई उनका लेना देना नहीं होता जी, जी, जी। ये धारणा गलत है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बम्बई में था तो बम्बई में जो सांस्कृतिक वातावरण था उससे मैं अछूता नहीं रहा, बल्कि उसमें पूरी तरह से डूबा रहा। तो मुझे संस्कार कहना चाहिए कि वहीं से बम्बई से ही मिले सारे के सारे जी। और यहाँ पर भी मैंने शुरू से ही मतलब बम्बई में भी मतलब हिंदी की एक्टिविटी भी हमारे कार्यालय में जितनी भी होती थी वो सारी मैं ही करता था जी। बम्बई में हमारे जो विभाग था उसका हिंदी का सेक्रेटरी मैं था जी। और बम्बई में जितने भी साहित्यकार होते थे उन सबको मैं अपने कार्यालय लाता था जी। चाहे वो डॉक्टर बच्चन हो या धर्मवीर भारती है, कमलेश्वर जी, सबको पकड़ पकड़ करके मैं अपने कार्यालय लेके आता था कि आप वैज्ञानिकों के सामने भाषण दीजिए, उनसे संवाद कीजिए। तो बम्बई से मेरा मतलब जितने भी साहित्यकार थे और साहित्यिक अभिरुचि के लोग थे उनसे अच्छा परिचय हो गया जी। यही काम मैंने इंदौर में भी शुरू किया। इंदौर में जब मैं आया यहाँ जी सारी हिंदी एक्टिविटी यहाँ गेट में मैं ही करता था। और आपको मालूम होगा कि मुझे ठीक लगे क्या बता रहा, इंदौर में ये जो केट जो केंद्र है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ वैज्ञानिक गतिविधियाँ होती है। लेकिन जब हम आए यहाँ पर तो मुझे ये लगा कि आम पब्लिक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या काम हो रहा है जी। लोग तो यही समझते थे कि ये कोई बम फैक्ट्री है, यहाँ बम बनते हैं जी। वो बड़ी गलत एक धारणा थी लोगों की। तो मैंने उस समय, ये 87 की बात है, उस समय के जो अपने निर्देशक थे डॉक्टर भोवालकर जी, उनसे कहा कि सर हम एक ऐसा सेमिनार करते हैं जी सर, और हिंदी में करते हैं, बहुत बढ़िया, और शहर में जाके करेंगे हम, उसमें पब्लिक को बुलाएंगे और उस सेमिनार के अंदर हम बताएंगे कि केट में क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, और हिंदी में बताएंगे, सरल हिंदी में लोगों जी, जी, जी। ताकि आम आदमी को भी समझ में आए बरोबर जी। तो उन्होंने इस विचार को बड़ा पसंद किया और 1987 में हमने जाल सभागृह में ये कार्यक्रम किया था जी। और इंदौर के पब्लिक को उसमें हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए और सुनिए वैज्ञानिकों का। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में वैज्ञानिक आए और उसमें केट में जो जो वैज्ञानिक गतिविधियां हो रही है उसके बारे में हिंदी में लोगों को बताया गया। तब लोगों को पहली बार मालूम पड़ा कि केट में क्या हो रहा है। इसके बाद में मैंने ये एक परिपाटी डाल दी कि केट में जितने भी साइंटिफिक सेमिनार होते हैं हर साल होते ही रहते थे जी, इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स जी। लेकिन मैंने कहा कि एक सेमिनार हम हर साल करेंगे और वो हिंदी में करेंगे, बहुत बढ़िया, किसी भी वैज्ञानिक विषय के ऊपर जी, जी, जी। तो जब तक मैं रहा केट में, 2003 में मैं रिटायर हुआ, तब तक बिना रोके हर साल हम साल में एक सेमिनार करते थे, वैज्ञानिक सेमिनार हिंदी में करते थे और बाहर से भी वैज्ञानिकों को बुलाते थे और हिंदी में हम पूरा कार्यक्रम करते थे और लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया और बड़ी अच्छी गतिविधि रही। तो अभी आपने सूत्रधार संस्था के SN व्यास जी से पूरी सूत्रधार संस्था की पूरी इतिहास और उसकी जो उपलब्धियाँ उसके बारे में जानकारी ली। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।